एवरीवन से है आप लोग, आप सबका तहे दिल से स्वागत है इस शानदार से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है सुपर जे। तो गाइस, आज का सेशन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में बताना चाहूंगा। एंड ऑल्सो जो बच्चे भी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन, या जो ऑलरेडी कर भी चुके हैं, जो 22 वाला भी लिखना चाह रहे हैं गाइज, उनको ये बेसिक चीजें आनी चाहिए। जब तक आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज नहीं होगा, आपके पास इनइक्वालिटीज का नॉलेज नहीं होगा, आपके पास वेवी कर्व का नॉलेज नहीं होगा, आपके पास लॉग का नॉलेज नहीं होगा, यू कैन नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन जेई, बिकॉज दीज कॉन्सेप्ट्स आर यूज्ड प्लेंटी ऑफ टाइम्स इन जेई मेन्स पेपर। तो ये प्रॉब्लम्स अगर आपको आते हैं और अगर आप ये कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे आज के क्लास में, तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है इन द लॉन्ग रन। तो चलिए गाइस, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, सुपर जेई को। दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन द लॉन्ग रन, एंड लेट्स बिगिन द सेशन। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुपर जेई का ये टेलीग्राम चैनल है जिसको आपको ज्वाइन करना है, जहाँ पे आपको बहुत बेनिफिट होगा इन द लॉन्ग रन। साथ ही साथ गाइस, ऑब्वियसली आपको कह सकते हैं कि बीटेक मेरा ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। आई एम बेसिकली बीटेक फ्रॉम एनआईटी नागपुर, हैव मेंटर्ड मेनी टॉप रैंक्स इन जेई मेंस एंड एडवांस, हैव गॉट मोर देन 5 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, ऑल्सो आई होल्ड एन ऑलरेडी रैंक ऑफ 698 इन गेट। आप लोग गाइस 12 मंथ्स, 18 मंथ्स एंड 24 मंथ्स का प्लान ले सकते हैं, एंड दैट विल बी ग्रेट, है ना। प्लस एंड आइकॉनिक बोथ यू कैन चूज, एंड एजे लाइव का कोड यूज करना है आपको, दैट विल बी टेरिफिक। 34.6, 42.5 एंड 50.4 रिस्पेक्टिवली आपके प्राइजेस होने वाले हैं। साथ ही साथ गाइज, एजे लाइव कोड यूज करना है आपको, एंड 58,500, 72,000, 90,000 रिस्पेक्टिवली 12 मंथ्स, 18 मंथ्स एंड 24 मंथ्स का प्लान है। ऑल्सो गाइज, आपको मिलेगा शानदार सा पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस। तो दीज ऑल आर गोइंग टू बी फैबुलस। लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस तो आपको मिलेगा ही। ऑल्सो गाइज, ये मेरी प्रोफाइल है जो आप फॉलो कर सकते हैं मुझे, एंड गाइज एजे लाइव इज द कोड विच यू हैव टू यूज फॉर टेकिंग द प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। एंड गोइंग फॉरवर्ड, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ गाइज, ये फोर्थ अटेम्प्ट होने वाला है शानदार, है ना। फोर्थ अटेम्प्ट इज गोइंग टू बी टेरिफिक। जेई पेपर सोल्यूशन आर लाइव, सो यू कैन सॉल्व इट राइट नाउ राइट हियर। ऑल्सो यार, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो अप फॉर ग्रैब्स, दिस विल बी ग्रेट एंड वंडरफुल, है ना। तो प्लस सब्सक्रिप्शन जरूर चूज करिएगा, यू विल गेट 2 मंथ्स एक्सटेंशन, है ना। कैन बाई 12 मंथ्स एंड यू विल बी गेटिंग 2 मंथ्स एक्सटेंशन विच विल बी ग्रेट। साथ ही साथ गाइज, लिमिटेड टाइम के लिए आपके पास सब्सक्रिप्शन हैं, है ना। तो आप लोग जरूर इसको उठाइए, एंड जल्द से जल्द गाइज 9,000 एंड 4,500 रिस्पेक्टिवली विच विल बी ग्रेट। और गाइज, आपको मैं बता देता हूँ, आपके सारे सामने बहुत अमेजिंग अमेजिंग बैचेस आने वाले हैं, राइट। 4th ऑफ अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक आपके पास बहुत धमाकेदार बैचेस आने वाले हैं। इज ऑल्सो बग्स बाउंटी गाइज, कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट आपको दिखता है तो यू कैन बी द फर्स्ट वन टू क्लेम दिस अमेजिंग अमेजिंग प्राइजेस एंड विच विल बी ग्रेट। साथ ही साथ गाइज, 29th ऑफ अगस्त 11 AM, तो गाइज सम अमेजिंग क्वेश्चन आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू विच विल बी फैंटास्टिक, सो प्लीज गो फॉर इट। ऑल्सो देर इज वन अमेजिंग थिंग कॉल्ड अन अकेडमी कॉम्बैट, है ना। सो यू कैन यूज दिस कोड एजे लाइव एंड यू कैन अनलॉक इट, एंड देर बी सम अमेजिंग स्कॉलरशिप्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो चलिए गाइज, लेट्स बिगिन द सेशन। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बताने चाहता हूँ वेवी कर्व मेथड के बारे में। तो वेवी कर्व मेथड हम लोग करने वाले हैं, तो गाइज वेवी कर्व क्या कहता है? देखो यार, वेवी कर्व इज अ वेरी बेसिक थिंग। इसमें क्या होता है कि जैसे आप, हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने अभी तक जो 10th क्लास तक हम लोग सीखते हैं, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि यार अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक है, x²-5x+6, ये मान लो इक्वल टू जीरो है आपके, ठीक है। लेट सपोज इक्वल टू जीरो, सो व्हाट विल यू डू ओवर हियर? आप लोगों को पता है कि आप लोग सॉल्व करके यू विल राइट इट एज x-2 x-3 इज इक्वल टू जीरो, फ्रॉम देयर यू विल गेट x = 2 या फिर 3, ये तो हम लोग जानते ही हैं, राइट, दिस एवरीवन नोस। पर अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि गाइज, लेट सपोज x²-5x+6 लेट सपोज लेस देन जीरो हो जाए, ठीक है। अगर ये मान लीजिए लेस देन जीरो, तो कैसे करेंगे आप? तो आप लोग का क्या होगा, x-2 x-3 लेस देन जीरो। आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे आपको प्लॉट करना है 2 और 3, ठीक है।
टू और थ्री को आपको नंबर लाइन में प्लॉट कर देना है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, राइट। तो इस केस में गाइज आपको क्या फायदा हो रहा है, देखो ध्यान से कि यार हम लोग ट्राई करते हैं कि अगर कोई नंबर थ्री से बड़ा होगा, अगर आप डाल के देखोगे तो देखो ये टर्म पॉजिटिव आएगा ना, ये टर्म पॉजिटिव आएगा बिल्कुल, और अगर टू और थ्री के बीच में कोई नंबर डाल के देखो आप, यू कैन पुट 2.5 ऑल्सो, सो अगर आपने 2.5 डाला तो ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया नेगेटिव, सो ओवरऑल द थिंग इज नेगेटिव। तो सबसे पहला मैं आपको स्टेप बता देता हूँ, स्टेप नंबर वन इज टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है टू और थ्री, कैसे, इसको आप जीरो करो तो टू आएगा, इसको आप जीरो करो तो थ्री आएगा, राइट। एंड टू से अगर आप कोई छोटी वैल्यू लोगे तो आपके पास क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है ना। तो दिस इज द सिनेरियो, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या होगा, लेस देन जीरो कब हो रहा है, आप बोलोगे एक्स बिलोंग्स टू ओपन टू टू थ्री, है ना, क्योंकि लेस देन इक्वल टू लेस देन जीरो है, तो बस हम लोग टू और थ्री नहीं ले सकते, इसीलिए ओपन ब्रैकेट, अगर क्लोज ब्रैकेट रखेंगे तो मतलब टू और थ्री ले सकते हैं, तो दैट्स द सिंपलेस्ट ऑफ द डिफरेंस, ठीक है। चलो अगर मान लो आपको बोल दिया जाता कि यार x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो इस केस में क्या होते करते आप, वेवी कर्व तो वही बनता, आप पहले टू और थ्री को प्लॉट करोगे, है ना, टू और थ्री को प्लॉट करोगे, एंड ऑब्वियसली ये हो गया आपके पास प्लस माइनस प्लस, राइट, प्लस माइनस प्लस, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो कब आ रहा है, जब आपका x बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन थ्री टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम लोग क्या चाहेंगे यार, यहाँ पे हम लोग क्या चाहेंगे, व्हाट वुड वी वांट ओवर हियर, तो यार ऑब्वियसली हम लोग चाहेंगे कि पॉजिटिव हो, तो इसमें इसलिए यहाँ पे सॉरी ये टू होगा, टू तक माइनस इन्फिनिटी से लेकर हम लोग टू तक जाएंगे, है ना गाइस, एंड देन फ्रॉम देयर गोइंग फॉरवर्ड हम लोग थ्री टू इन्फिनिटी भी ले सकते हैं। हेलो पल्लव, कैसे हो आप बेटा, हाउ आर यू पल्लव, तो आपने क्या सोचा, वुड यू लाइक टू ड्रॉप और नॉट, वुड यू लाइक टू ड्रॉप और नॉट, आपने क्या प्लान किया, आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेके वुड यू लाइक टू ड्रॉप, ओके। तो गाइज एक क्वेश्चन मैं आपके सामने डालता हूं कि लेट्स सपोज हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस वन, और लेट्स सपोज वी आर आस्किंग फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन है लेट्स सपोज, बेटा मैंने पिज्जा बहुत पहले खाया था मैं अभी थोड़ा डाइट पे चल रहा हूँ। Guys, everyone watching, please hit the like, यार dislike कौन कर रहा है यार, ऐसे मत करो, है ना, we are working hard for you on daily basis, so don't do all that. 31st morning बेटा, वही मैं बोल रहा हूँ, अभी आप सिर्फ और सिर्फ अपने formulas और short notes पे discuss for मतलब मेहनत करो, formulas and short notes, that's it. बेटा हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, मैंने आपको बताया था, डिड आई टेल यू, यस, मेरा बैच स्टार्ट होने वाला है सितंबर 8 से, है ना, विद अमेजिंग अमेजिंग थिंग, प्रोटीन्स तो मैं लेता हूँ, डेफिनेटली आई टेक प्रोटीन, दैट इज देयर, सब लोग यार लाइक करिए सेशन को प्लीज, है ना, ओके okay. तो गाइस कैसे करेंगे बताओ इसको, हम लोग हाउ विल वी डू इट, हाउ विल यू प्लान दिस, टेल मी यार, देखो फैक्टराइजेशन करना है हमें, इसमें कितना हो जाएगा x प्लस रूट थ्री इंटू एक्स माइनस रूट थ्री
इंटू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ओके, तो अगर आप देखोगे ध्यान से यार यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ बच्चे आते हैं है ना एंड दे हैव दे थिंक दिस इज फन, डिसलाइक करके देर विल बी फन, एक ही अकाउंट से तीन चार बार दे विल ऑब्वियसली कम एंड डिसलाइक। यार ये सब मत करो यार, इससे क्या फायदा होगा, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना, हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं एंड हमारे लिए एक एक चीजें बहुत मायने रखती हैं, राइट, हमारे लिए एक एक चीजें बहुत मायने रखती है। ठीक है, तो गाइज देखो ध्यान से यहाँ पे, वही वही वही, ओके उज्जवल दैट इज अमेजिंग, ऑल द बेस्ट फॉर यू है ना, जो भी बच्चे देने वाले हैं सबसे पहले तो उनको ऑल द बेस्ट है ना, आपको बहुत अच्छा करना है ना, एंड अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है यार, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है एंड दैट इज समथिंग। थैंक यू रोहन, थैंक यू। तो गाइज अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी, इस टाइम पे यार हम लोग बहुत ही हमारा माइंडसेट जो है बहुत फ्लक्चुएट करता है, राइट, कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। यार अब देखो अब लास्ट है, इसके बाद कोई अटेम्प्ट भी नहीं है, जस्ट गेट ओवर इट है ना, जस्ट जाके अपना 100% दे देना है कॉन्फिडेंटली और अपने फॉर्मूलाज और शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते रहना, बस उसी को ऑन रिपीट डाल दो, राइट, जैसे कोई कोई गाना पसंद आता है तो ऑन लूप चलाते हैं ना हम लोग, वही ऑन लूप डेली डेली उसी को गो थ्रू दैट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अच्छा अच्छा ऐसा कह रहे हैं, ओके कोई बात नहीं बेटा है ना, यू कैन डू इट है ना, यू कम, हम आपके लिए जरूर हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए सुपर जेई में एंड ऑल्सो यू कैन बी एसोसिएटेड विद अस इन द स्पेशल क्लास एंड दैट विल बी ग्रेट। देखो मैथ्स पे सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होता है वो होता है डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है ना, और उसके बाद आपका होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो इससे आप दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, इससे दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, इससे टू टू थ्री क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, इससे भी टू टू थ्री क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज मोर और लेस यहाँ पे छः दस लगभग आप लोग ओवरऑल 8 to 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इन टॉपिक से, जो जो कि आपको बहुत बूस्ट दिला देगा, राइट। सो गाइज अगर आपकी स्ट्रांग होल्ड है इन चैप्टर्स में सो डेफिनेटली यू विल बी डूइंग वेल। उज्जवल डिफरेंशियल इक्वेशंस का आप बोलोगे तो डेफिनेटली मैं स्पेशल क्लास लगा दूंगा, ठीक है। तो आपके कहने पे चलो मैंने कल स्पेशल क्लास लगा दी, ठीक है, कल मैंने स्पेशल क्लास लगा दी आपके लिए स्पेशली, ठीक है, स्पेशली फॉर यू आई बी टेकिंग अ स्पेशल क्लास। When is your exam, Ujjwal? आपका एग्जाम कब है ये बताओ, तो आप आओ मेरे साथ है ना आज रात को, आई विल कम एट 8:30 PM एंड आई विल डू सम डिफरेंशियल इक्वेशंस प्रॉब्लम्स फॉर यू। 31st को सेकेंड शिफ्ट है, ठीक है, तो कल आज रात में आ जाओ 8:30 PM को स्पेशल क्लास में, ठीक है, तो आपके लिए मैं ले लेता हूँ स्पेशल क्लास, ठीक है, डन। आपके लिए कुछ क्वेश्चन लूंगा, आप मेरे को याद दिलाना, ठीक है, याद दिलाना, ठीक है ना। मैंने वैसे तो अभी शेड्यूल किया है, हाँ मैंने तो वैसे फंक्शन शेड्यूल किया था, पर आप मुझे बोलना, आई विल बी, मैं आपके लिए वहाँ पे कुछ अमेजिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस के प्रॉब्लम्स लूँगा जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, ठीक है, चलो डन। ओके गाइस, तो मैं यही चाहता हूँ यार आप लोग जो भी बोलो है ना, सो वी विल बी डूइंग इट, डोंट वरी, ठीक है। तो बस इसमें क्या करना है यार, यहाँ पे देखो आप लोग को पुट करना है वैल्यूज को नंबर लाइन पे, तो ये हो गया आपके पास -2 और आपके पास इसके बाद हो जाएगा -√3 है ना, इससे बड़ा होता है, -2 से बड़ा होता है। फिर आपके पास कौन सा नंबर आ रहा है भाई, -1 आएगा, फिर आपके पास कौन सा नंबर आएगा यार, यू विल गेट √3 एंड देन यू विल गेट 5। ओके, तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को आपको प्लॉट करना होता है। ओके, तो गाइज देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको वेवी कर्व बनाना है, ठीक है ना, तो प्लस माइनस अप डाउन ये करता है एंड देन फाइनली वी विल गेट द अप्रोप्रिएट रिजल्ट। यस डेफिनेटली डेफिनेटली उज्जवल, नो डाउट अबाउट इट। आप लोग आइए,
यहाँ पे आप लोग यार रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए हम लोग यार जो बोलोगे वो करने के लिए रेडी है, राइट? सो वी हैव ऑब्वियसली हम लोग अपनी पूरी जान लगाएंगे आपके लिए, एंड डेफिनेटली दैट विल बी ग्रेट सर। परसेंटाइल फॉर ईसी इन राउरकेला एनआईटी, चलो अभी बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने दो पहले। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो आपका एक्स कितना आएगा बताओ? एक्स बिलोंग्स टू कितना हो रहा है? पॉजिटिव कब आ रहा है बताओ? माइनस टू से लेकर माइनस रूट थ्री, ठीक है। के आई सर, नो, के आई टी इज नॉट अ गुड कॉलेज फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है, इट्स नॉट अ गुड कॉलेज, ठीक है। वहाँ पे आपका बहुत रिस्की है प्लेसमेंट, ठीक है, दिस इज माई थिंकिंग, ठीक है ना? एंड प्लेसमेंट्स होते हैं, नो डाउट होते हैं, बट यू विल नॉट गेट दैट ग्रेट अमाउंट ऑफ प्लेसमेंट्स, स्पेशली इन कंप्यूटर साइंस एंड ई सी ऑल्सो। तो सिविल मैकेनिकल की तो बात छोड़ ही दो, ठीक है। तो गाइज माइनस वन पे हम लोग को रखना पड़ेगा ओपन ब्रैकेट, क्योंकि माइनस वन पे नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे माइनस वन पे ओपन ब्रैकेट आएगा। एंड देन फाइव टू इन्फिनिटी, फाइव पे भी ओपन ब्रैकेट क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाता है। ओके, दैट इज वाई द करेक्ट आंसर विल बी फाइव टिल इन्फिनिटी। तो माइनस टू से माइनस रूट थ्री, यूनियन माइनस वन टू रूट थ्री, एंड देन विल बी फाइव टू इन्फिनिटी। चलो गाइज इस पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट प्रॉब्लम लेते हैं, ट्विस्ट प्रॉब्लम लेते हैं। लेट सपोज, बता रहा हूँ रॉक एंड रोल, जस्ट वन सेकेंड, आई जस्ट पुट अप द क्वेश्चन एंड देन आई डू इट। एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू का क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स प्लस वन की पावर फोर इंटू एक्स माइनस थ्री फोर की पावर नाइन। नाउ दिस इज गिवन लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो ईसी चाहिए आपको राउरकेला एनआईटी पे, तो ईसी चाहिए आपको राउरकेला एनआईटी में, तो आपको रैंक रखनी पड़ेगी अराउंड 10K से बिलो, ठीक है ना? अगर आपका होम स्टेट है तो, होम स्टेट नहीं है तो आप मान के चलिए कि 8000 पे तक क्लोज हो सकती है मैक्स। 8000, आई केम फ्रॉम फिजी दिल्ली, ठीक है, फिजी दिल्ली, हेलो हेलो फॉर एजुकेशन, हाउ आर यू? तो 8K रैंकिंग के लिए आपको कम से कम बेटा परसेंटाइल जो लानी पड़ेगी वो अप्रॉक्सीमेटली 99.3 टू 99.4 लाना पड़ेगा, ठीक है, 99.3 99.4। यस, दिस इज कॉमन रैंक लिस्ट, CRL रैंक बता रहा हूँ मैं आपको। यस यस यस, आई केम फ्रॉम देयर ऑल्सो। Oh, you're waiting for Rohit Dixit, sir. He is still in my contact. Okay, he is an exceptional teacher. I don't know about that, though. But yeah, this is going to be exceptionally, exceptionally good. Okay. So obviously, so yeah, confident. रखो रहो अभी अभी तो last कुछ moments है. You just have to be confident. फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, अल्टीमेटली आपका कुछ ना कुछ भला जरूर होगा, राइट? एंड अनडाउटेबली दैट विल बी ग्रेट। यस ऑब्वियसली देयर वर मेनी गाइज हूज, बिकॉज उस टाइम पे दैट वाज द मोस्ट फेमस थिंग इन द मार्केट, है ना? उससे बेटर कुछ नहीं था, इवन दैट वाज अहेड ऑफ कोटा, सो दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर इट। The only mistake I did was I didn't go for hostel, ठीक है। मैं डेली गुड़गांव से अप डाउन करता था, तो मेरे ट्रैवलिंग में ही 3 hours निकल जाते थे, which was very exhaustive. And the thing is कि हॉस्टल में रहने से क्या होता है कि यू आर इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, आपके पास आपके दोस्त होते जो आपको हेल्प करते हर एक दिन आपके डाउट्स में, है ना? उनसे डिस्कस करके आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है एक दूसरे से, और आपकी इंटेंसिटी और बढ़ जाती है। तो दिस इज व्हाट आई डिड द मिस्टेक, सेम मिस्टेक आई डिड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। 45% पे ईसी मिल जाएगी क्या जी ओबीसी आईपीयू कॉलेज में?
थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है रवि बोला, थोड़ा सा मुश्किल है बेटा, मुश्किल है यार इस परसेंटाइल पे तो। गाइस देखो इसका फैक्टराइजेशन क्या होने वाला है, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, राइट। तो एक्स माइनस टू का स्क्वायर हो गया, एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर हो गया, इंटू एक्स माइनस टू का क्यूब हो गया। कैट नहीं दिया था मैंने, इनिशियली जब मैं कॉलेज में घुसा था तो मेरे दिमाग में सिर्फ एमबीए चल रहा था, फिर घर वालों ने बोला भाई गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट, सो आई जस्ट प्रिपेयर्ड इन द लास्ट ईयर इन फॉर गेट, दैट वाज गवर्नमेंट जॉब के लिए पीएसयू के लिए, सो आई गॉट ऑल इंडिया रैंक ऑफ 698 इन दैट। या तो गाइस कितना हो रहा है ये बताओ, क्या ये एक्स माइनस टू की पावर फाइव कर दूं क्या, इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए? यस, तो उस पे इवन पावर की हट के अब हो गया है ऑड पावर, ठीक है। थैंक यू तन्मय, ओके। और ये आ गया आपका लेस देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे प्लॉट करना है, लास्ट टाइम पिज्जा कब खाया होगा, मे बी टू वीक्स बैक। अभी मैं थोड़ा सा अपने वेट पे कंट्रोल कर रहा हूँ, थोड़ा सा डाइट को ठीक कर रहा हूँ, है ना, तो दैट इज वाई आई एम अवॉइडिंग ऑल दिस राइट नाउ। टू थ्री और ये हो गया फोर, ठीक है। तो गाइज देखो यहाँ पे जब इवन पावर आ जाते हैं, एजुकेशन आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, कमेंट कर नहीं सकता मैं उन पे प्लीज, ठीक है। एंड देन दिस भी देखो फोर पे क्या हो गया गाइज, देखो फोर से बड़े वैल्यू पे तो पॉजिटिव होना ही है, ठीक है। तो थ्री और फोर के बीच में ऑब्वियसली क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा टू और थ्री के बीच में कोई नंबर डाल के देखो, पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, देखते हैं। 2.5 डाला, पॉजिटिव 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 और नेगेटिव पी पावर ऑड नेगेटिव, तो यू गेट नेगेटिव, ठीक है। ये आ गया आपका नेगेटिव, ओके। तो गाइज इट इज समथिंग अमेजिंग, है ना, तो दैट इज अमेजिंग एंड इट विल बी ग्रेट। तो अब ये देखो इसमें क्या हो गया, एक जंप आ गया, क्या आ गया, जंप आ गया। जंप क्यों आया, क्योंकि इस पे था इवन पावर, इस पे क्या था इवन पावर, तो ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। और ये टू से इसके बीच में क्या हो गया, एक्स की वैल्यू अगर आप जीरो डालोगे तो कितना आएगा, जीरो डाल दिया तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो गया ऑड की पावर नेगेटिव हो गया, एंड इट विल बी अगेन आप देखोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, और माइनस वन पे अगेन जंप हो जाएगा क्योंकि इवन पावर। तो अब आपने क्या नोटिफाई किया यार, जब भी इवन पावर होता है तो वेवी कर्व जंप कर जाता है, ये हो गया आपके पास प्लस, ये हो गया आपके पास प्लस, ओके। एंड दैट इज समथिंग अमेजिंग, तो आपने क्या लिखा गाइस, लेस देन और इक्वल टू जीरो के लिए क्या लिखा आपने, एक्स की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, एक्स बिलोंग्स टू कितना आ गया यार, नेगेटिव कब आ रहा है, टू टू थ्री, है ना, टू टू थ्री, और यूनियन थ्री टू फोर, दैट्स इट। पर फोर ले नहीं सकते क्योंकि उसमें क्या है, डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। व्हाट वी विल डू, विल आई टू टू फोर ओपन, ये आंसर हो गया सिंपल, देखो कितना क्रिस्प आंसर आया, सो अच्छा क्रिस्प आंसर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक्स प्लस वन की पावर 100 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर की पावर 101, ठीक है,
डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन की पावर टू एंड देन वी गॉट एक्स प्लस फोर की पावर 99, और ये दिया हुआ है आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब बताओ, ठीक है? तो गाइस दिस इज समथिंग वेरी गुड। तो गाइस देखो कैसे होगा, फैक्टराइजेशन करो, एक्स एक्स प्लस वन की पावर 100 हो गया एंड इट विल बी व्हाट। जे इंग्लिश इज बैक फॉर एजुकेशन, है ना? अगेन तो यार ये देखो कितना होगा, एक्स माइनस वन की पावर 101, और इसका फैक्टराइजेशन कितना होगा, एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस वन, राइट? एक्स प्लस वन, तो एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? यहाँ पे माइनस फोर आएगा गाइस, सॉरी। ओके, यहाँ पे माइनस फोर आ गया, तो एक्स प्लस फोर, एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस वन हो गया ये। ये हो गया फैक्टराइजेशन, तो एक्स माइनस फोर की पावर 101 और एक्स प्लस वन की पावर 101 आ गया, ठीक है? ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस, दिस इज एक्स माइनस वन की पावर स्क्वायर और एक्स प्लस फोर की पावर 99। एब्सोल्युटली एनआईटी सूरत इज अ वेरी गुड कॉलेज यार, वेरी वेरी गुड, वेरी 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 गुड इन फैक्ट। तो यार ये देखो यहाँ पे x प्लस वन की पावर कितना आ गया, 201, x प्लस वन की पावर कितना चला गया, 201, और ये कितना हो गया, x माइनस वन की पावर 101, x माइनस फोर की पावर। हाँ अब क्या हो गया गाइस, अब इसका वीवी कर्व बनाओ। तो यार वीवी कर्व बनाएंगे तो क्या होगा बताओ, माइनस फोर और फिर कितना डाला आपने, माइनस वन, वन और कितना डाल दिया, फोर। अब आपको मैंने लॉजिक बताया हुआ है, नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द लॉजिक, तो आपको क्या करना है, प्लस फोर पे कितना होगा भाई, ऑड है तो नीचे आएगा, वन पे कितना, इवन तो जंप करेगा, माइनस वन पे कितना है भाई, ऑड, अगेन इट विल गो स्मूथ, एंड फिर फोर पे, माइनस फोर पे कितना है, ऑड, सो अगेन इट विल कम डाउन। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो कब आ रहा है भाई, प्लस इधर है और इधर है, सो विल से एक्स बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू माइनस फोर ओपन से माइनस वन, क्लोज्ड यूनियन फोर टू इन्फिनिटी, राइट? बट इसमें क्या दिक्कत हो रही है कि यार एक चीज छूट रहा है, राइट? वन, वन पे क्या ले सकते हम लोग, नहीं वन पे नहीं ले सकते यहाँ पे, यही मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ, क्योंकि वन अगर ले लोगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो छोड़ो, ये तो नॉट डिफाइंड होने लगेगा, तो दिस इज द एप्ट आंसर। पर अगर आप यहाँ पे बात करो इस वाले क्वेश्चन में, टू टू फोर में, इसमें आपको क्या करना चाहिए पता है, यूनियन, फाइनली में आप क्या करोगे, अभी मैं बता देता हूँ आपको, यूनियन We will do what? माइनस वन, तो माइनस वन पॉइंट आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उस पर क्या हो रहा है देखो, हाँ पर यहाँ पे भी गाइज माइनस वन ले सकते हैं क्या, बोलो यहाँ पे, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या हो रहा है आपका, जीरो हो रहा है, सो दैट वॉन्ट यू विल बी नॉट टेकिंग, तो थ्री तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो ऐसे आपको एड करना पड़ेगा इफ रिक्वायर्ड। ओके, अब गाइज सर मैं जेई के लिए फिर से प्रिपेयर
करना चाहता हूँ, बट द प्रॉब्लम इज अगर मुझे 1 साल बाद वो कॉलेज छोड़ना पड़ा, बहुत सारा पैसा देना होगा, अदरवाइज आई रियली वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर जेई। बताया तो रॉक एंड रोल, अच्छा आपको नहीं बताया, किसी और को बताया? पल्लव, यू कैन टेक स्टूडेंट लोन, है ना यार, फाइनेंशियली आज तो प्रॉब्लम्स नहीं होते, क्योंकि यार अगर आपने एकदम मेहनत करके अगर आपने लगे पड़े हो, आप स्टूडेंट लोन निकाल सकते हो। पल्लव देवनाथ, गो फॉर स्टूडेंट लोन। एंड अनअकैडमी पे भी आपको ईएमआई ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो आप 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले लो, आपको मंथली कुछ ना कुछ कुछ भी अराउंड आपको 3 to 4,000 rupees बस पे करना पड़ेगा, 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ऑन ईएमआई ले लो, ठीक है? तो उसमें आपको हर मंथ 3 to 4K पढ़ना पे करना पड़ेगा बस। और आप कॉलेज जा रहे हो तो कॉलेज के लिए आप स्टूडेंट लोन ले लेना, स्टूडेंट लोन फॉर कॉलेज बहुत लोग देंगे, अगर आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन होता है तो आराम से आपको मिल जाता है। बेटा बताया तो 99.3 से लेकर 99.4 के आसपास परसेंटाइल चाहिए रहेगा, इसी अगर आप चाहिए आपको रौरकेला में। अच्छा सूरत में, ये तो आपको मैंने रौरकेला के लिए बताया था, सूरत के लिए थोड़ा सा कम कर दो, 99.2 से लेकर 99.3 के आसपास, ठीक है? ओके, तो घबराने की बात नहीं यार, जिसको जो चीज अचीव करना है लाइफ में, फाइनेंशियली आज के डेट में किसी को कोई भी इशू नहीं हो सकता, उसमें वो चाह तो नहीं चाहिए, तो वो जज्बा होना चाहिए, उसमें वो आग होनी चाहिए कि यार मुझे कुछ जाना है और मुझे करना है, ठीक है? सो ये चीजें अगर आपके अपने दिमाग में आ गई यार, नो डाउट, चाहे कुछ भी हो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आई एम गोइंग टू डू इट, सो यू बेटर डू इट, ठीक है? चलो गाइस कुछ लॉगरिदम के बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ लॉग के क्वेश्चंस भी करेंगे फिर। तो पहले लॉगरिदम का मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अब लॉगरिदम में क्या है? तो गाइस लॉग आया कहां से? एक्चुअली क्या होता है, जैसे ए की पावर बी बराबर सी होता है, राइट? लॉग इज अ प्रोसेस टू फाइंड द एक्सपोनेंट। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, किसी की पावर एक्सपोनेंट निकालना, वो क्या है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंट निकालना, किसी का मतलब उसकी वैल्यू निकालना, किसी पे एक्सपोनेंट चढ़ा हुआ है तो उसकी वैल्यू निकालना। अब उस एक्सपोनेंट को ढूंढ रहे हैं, हमको वैल्यू पता है, मतलब हमको ए और बी पता है, तो सी निकालने को बोलते हैं उसका वैल्यू निकालना, और फिर सी से हमको बी निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं लॉगरिदम निकालना। इसी को क्या बोलिए, क्या देता है हमको आंसर, एक्सपोनेंट देता है। तो जैसे कि हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं लॉग टू द बेस ए, जैसे यहाँ पे ए बेस है ना, ए हमेशा बेस रहेगा वहां पे भी और यहाँ पे भी, ऑफ सी, तो लॉग ऑफ सी मतलब ए की पावर बी इज सी, तो लॉग ऑफ बेस ए की पावर ए सी विल बी नथिंग बट बी, ये डेफिनेशन हो गया। मतलब अगर आपको वापस से ये इक्वेशन लाना है, वापस से आपको ये इक्वेशन लाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, ए की पावर बी इज इक्वल टू सी, क्या करेंगे, इस पे बेस को चढ़ा देंगे इस पे, तो ऑटोमेटिकली आपको ये नंबर मिल जाएगा सी। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ लॉग। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए गाइस रिलेटेड टू लॉग बेस ए ऑफ एक्स, ठीक है? लॉग बेस ए ऑफ एक्स को आपको कुछ कुछ चीजें आनी चाहिए जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। सबसे पहली बात गाइस, इसमें जो पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि आपका जो x है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट कि आपका जो बेस है वो भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और बेस कैन नॉट बी वन। क्यों बेस नहीं हो सकता सर वन? चलो एक बार लेके देखते हैं यार। जैसे मान लो आपके पास है log बेस वन ऑफ x इज इक्वल टू y, तो x की वैल्यू कितनी होगी, वन पावर y, तो हमेशा x वन ही आएगा, जो कि गलत है, x तो एक वेरिएबल है ना? तो ये आपकी मेजर कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपका x जो है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव कभी आ नहीं सकता किसी पॉजिटिव नंबर का एक्सपोनेंट, ठीक है? प्लस आपका बेस कैन नेवर बी वन। अब इसका ग्राफ की बात करते हैं, फिर थोड़ा डोमेन रेंज भी बताऊंगा मैं। मान लो आपका बेस इज ग्रेटर देन वन, ठीक है? पहला केस मैंने लिया बेस इज ग्रेटर देन वन, तो आप बताओ कि यार लॉग ऑफ एकदम छोटी वैल्यू 0.0001 कितनी होगी? ऑब्वियसली वो समथिंग की पावर इन्फिनिटी जाएगा, है ना, माइनस इन्फिनिटी जाएगा तब। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, एंड लॉग ऑफ इन्फिनिटी कितना होगा बताओ? यहाँ मान लो मैंने इन्फिनिटी लिख दिया,
एक्स बराबर ए की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा ना, तो ए की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा क्योंकि ये तो वन से बड़ा है, सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया आपका गाइज वाई इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स का ग्राफ। अब मान लो ए बिटवीन जीरो एंड वन है तो क्या होगा, जस्ट पलट जाएगा ग्राफ, है ना, जो माइनस इन्फिनिटी था वो इन्फिनिटी बन जाएगा और जो इन्फिनिटी था वो माइनस इन्फिनिटी। ये हो गया आपका अगर बेस ए और ये ग्राफ है वाई इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स। तो डोमेन क्या आ रहा है गाइज, आपको सब कुछ समझ में आई आ गया होगा, डोमेन इज नथिंग बट जीरो टू इन्फिनिटी एंड रेंज इज ऑल रियल्स। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट इज गाइज सम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक है ना, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं लॉग की, जो कि बहुत बेनिफिशियल होगा आपको, लॉगरिदम की बहुत अमेजिंग अमेजिंग प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी नंबर वन, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस पे हम लोग काफी क्वेश्चंस भी करेंगे अब। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम, पहली प्रॉपर्टी क्या है, लॉग बेस ए एक्स प्लस लॉग बेस ए वाई इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स वाई। बी क्या है, लॉग बेस ए एक्स माइनस लॉग बेस ए वाई इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स अपॉन वाई। फिर लॉग बेस ए एक्स की पावर एम इज इक्वल टू कितना होता है, एम लॉग बेस ए एक्स। याद रखना बेस इज सेम सब में, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी लगा रहे हैं, बेस सेम होना बहुत जरूरी है। दूसरा, लॉग बेस एक्स ऑफ एक्स इज ऑलवेज वन, है ना, खुद सोचो एक्स की पावर वन आएगा ना इधर ले जाके, है जब भी बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो गया तो वन मिलने वाला है। और एक पॉइंट आपको और समझना चाहिए, लॉग बेस ए ऑफ वन इज ऑलवेज जीरो, है ना, ए की पावर जीरो ही वन होगा ना, देखो ध्यान से हो रहा है ना। यस, नेक्स्ट इज यार लॉग बेस ए ऑफ बी को हम लोग लिख सकते हैं लॉग बी बाई लॉग ए। ठीक है ना, वहां बेस कुछ भी रख सकते हैं, बेस कुछ भी रख सकते हैं लॉग बी बाई लॉग। और फाइनली ये इसको हम नीचे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, वन बाई लॉग बेस ए ऑफ बी, इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आपके पास एक दो तीन चार पांच छह चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए, और डोमेन एंड रेंज का अगर आपको आइडिया है तो आपको काफी इजी आप काम कर सकते हो। समझ में आ गया गाइस एवरीवन, इज दैट क्लियर। चलो गाइस देन लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग सम टेरिफिक प्रॉब्लम्स। चलिए गाइस कुछ क्वेश्चंस करते हैं लॉगरिदम पे। तो पहला क्वेश्चन है गाइस, आपके पास दिया हुआ है लॉग बेस ए ऑफ थ्री इज टू, ठीक है, एंड आपको दिया है लॉग बेस बी ऑफ एट की वैल्यू दी हुई है थ्री, तो लॉग बेस ए ऑफ बी कितना होगा। ऑप्शन ए लॉग बेस थ्री ऑफ टू, ऑप्शन बी लॉग बेस टू ऑफ थ्री, ऑप्शन सी लॉग बेस थ्री ऑफ फोर, ऑप्शन डी लॉग बेस फोर ऑफ थ्री। कम ऑन एवरीवन जल्दी से करो। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दिस।
गाइस देखो ध्यान से, हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये चीज दी हुई है ना, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि log बे log 8 बाई log बी इज 3, और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, log 3 बाई log ए इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो गाइज अगर मैं इस क्वेश्चन को इससे डिवाइड, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा, क्या आ जाएगा, log बी बाई log ए, लॉग बी बाई लॉग ए, और यहां पे कितना आ जाएगा, लॉग थ्री बाई लॉग एट, लॉग थ्री बाई लॉग एट इज इक्वल टू 2/3, राइट। यस, सेकेंड को डिवाइड कर दिया फर्स्ट से, ठीक है, वंडरफुल। अब देखो ध्यान से, हमको यही चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, लॉग बी अपॉन लॉग ए कितना आ जाएगा, थ्री लॉग टू, ये कितना है, थ्री लॉग टू बाई लॉग थ्री इंटू 2/3, थ्री थ्री कट गया, लॉग फोर बाई लॉग थ्री कितना हो गया, लॉग बेस थ्री ऑफ, ऑप्शन क्या है, सी। नेक्स्ट, वन बाई लॉग बेस टू ऑफ फोर प्लस वन बाई लॉग बेस फोर ऑफ फोर प्लस वन बाई लॉग बेस एट ऑफ फोर एंड सो ऑन टिल वन बाई लॉग बेस टू पावर एन ऑफ फोर, कितना आएगा, ऑप्शन ए एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ऑप्शन बी एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई ट्वेल्व, ऑप्शन सी वन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन, ऑप्शन डी एन इंटू एन प्लस वन बाई फोर। Come on, guys. तो गाइस देखो ध्यान से, सब लोग क्या कर सकते हैं ना, इसको बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से आप फ्लिप कर दो, तो एज सून एज यू फ्लिप इट क्या होगा, लॉग बेस फोर ऑफ टू हो गया, है ना, तो लॉग बेस फोर ऑफ टू प्लस लॉग बेस फोर ऑफ टू स्क्वायर प्लस लॉग बेस फोर ऑफ टू क्यूब एंड सो ऑन टिल लॉग बेस फोर ऑफ टू पावर एन, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग बेस फोर ऑफ 2 into 2 square into 2 cube into so on till 2 power n, तो कितना हो जाएगा, log base 4 of 2 की power 1 plus 2 plus 3 so on till n।
है, तो कितना हो जाएगा लॉग बेस फोर ऑफ टू की पावर एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो फोर की पावर हाफ है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, मैंने क्या किया टू को लिख दिया फोर की पावर हाफ, तो ये ऊपर पावर मल्टीप्लाई कर जाएगा वन बाई टू। एम लॉग एक्स है तो कितना हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन बाई फोर। तो कितना आ गया आपका आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज लॉग बेस एक्स ऑफ टू प्लस लॉग बेस इनटू लॉग बेस टू एक्स ऑफ टू इक्वल टू लॉग बेस फोर एक्स ऑफ टू, तो कितना हो गया लॉग टू बाई लॉग एक्स इनटू लॉग टू बाई लॉग ऑफ टू एक्स। कितना लिख दिया मैंने इसको log 2 प्लस log x, ठीक है इज इक्वल टू कितना लिख दिया मैंने, ये वैल्यू है आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको क्या निकालना है x की वैल्यू निकालनी है। तो हाउ विल वी डू इट, x की वैल्यू कैसे निकलेगी देखो ध्यान से अंकित राज, ये तो आप ही बता सकते हो, आपको इंटरेस्ट है अगले साल देने में जेई, तो बताओ हो जाएगा लॉग टू अपॉन लॉग ऑफ फोर प्लस लॉग ऑफ एक्स। लॉग टू कट गया, ठीक है तो वो कितना हो जाएगा बताओ, लॉग फोर लॉग टू इंटू लॉग फोर प्लस लॉग टू इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग टू इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये बताओ, ये लॉग टू का स्क्वायर है ना, तो ये टू लॉग टू हो जाएगा है ना, और लॉग टू इंटू लॉग एक्स, लॉग टू इंटू लॉग एक्स कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया टू लॉग टू स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स का स्क्वायर। तो लॉग एक्स कितना हो जाएगा रूट टू प्लस माइनस रूट टू लॉग टू, ठीक है तो कंपेयर क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा लॉग टू की पावर प्लस माइनस रूट टू, लॉग लॉग कट गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस सॉरी टू की पावर प्लस माइनस रूट टू, टू की पावर प्लस माइनस रूट टू, ठीक है दैट इज द आंसर। वेरी नाइस क्वेश्चन, आपका कितना परसेंटाइल आया है अंकित, हाउ मच परसेंटाइल्स यू गॉट, ओके गाइस आपके पास है एक्स की थ्री पावर एक्स गिवन है फोर पावर एक्स माइनस वन, जेई एडवांस 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है तो ऑप्शन ए कितना दिया हुआ है टू लॉग वन बेस ऑफ टू अपॉन टू लॉग थ्री ऑफ टू माइनस वन, ऑप्शन बी टू अपॉन टू माइनस लॉग बेस टू ऑफ थ्री, ऑप्शन सी वन अपॉन वन माइनस
log base 4 of 3 ऑप्शन डी, 2 log base 2 of 3 अपॉन 2 log base 2 of 3 माइनस 1। समर्थ मिनिमम मार्क्स, मिनिमम यार मिनिमम क्वालिफाई करके क्या होगा, यू शुड आस्क फॉर 95 परसेंटाइल। 95 परसेंटाइल आपको मिनिमम 150+ लाने पे ही मिलेगा। हाँ आउट ऑफ 300 ओनली, 300 में बोल रहा हूँ, 150 लाओ तब जाके 95 परसेंटाइल मिलेगा एंड दैट विल बी बेटर। गाइस एवरीवन वाचिंग हिट द लाइक यार, सब लोग लाइक कर दो फटाफट। ओके ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट समर्थ फॉर यू। तो कितना हो जाएगा, लॉग लेना है ठीक है, लॉग लेना है तो कितना हो जाएगा, लॉग लिया तो कितना हो जाएगा, एक्स लॉग बेस 2 of 3 ठीक है इज इक्वल टू एक्स माइनस वन लॉग बेस 2 of 4। ठीक है तो ये कितना आ जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा 2 log 2 है ना, तो x इंटू 2 log 2, 2x log 2, तो 2x log 2 of 2 इज व्हाट, 2 हो जाएगा 2x माइनस 2। ओके 2x माइनस 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया भाई, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 है ना, तो इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2x माइनस x log base 2 of 3, तो कितना हो जाएगा, x/2 माइनस log base 2 of 3। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 अपॉन 2 माइनस log base 2 of 3। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। एवरीवन वाचिंग यार हिट द लाइक, यार हिट द लाइक ठीक है।
नेक्स्ट एक्स की वैल्यू अगर -2 है तो वी नीड टू टेल व्हाट इज लॉग बेस 4 ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4। -2 लॉग बेस 4 ऑफ 4x4, तो दिस विल बी व्हाट ऑप्शन ए विल बी व्हाट 2, ऑप्शन बी विल बी व्हाट -4, ऑप्शन सी विल बी व्हाट -6, ऑप्शन डी विल बी व्हाट -8। तो बस आपको -2 डालना है यहाँ पे, ठीक है? तो -2 डालेंगे तो 4 हो जाएगा, लॉग बेस 4 ऑफ 4 1 हो गया, लॉग 1 0 हो गया, राइट? तो लॉग 1 हो गया 0, -2 और ये कितना हो गया, लॉग बेस 4 ऑफ 4 इंटू 4 स्क्वायर, तो 4 क्यूब हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, -6 लॉग बेस 4 ऑफ 4, ये कितना हो गया 1, -6 हो गया। इजी इजी लेमन स्क्वीजी। ओके गाइस, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक अभी डोमेन रेंज पे भी करेंगे, बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग प्रॉब्लम्स ऑन लॉग, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ। लॉग बेस 3 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस लॉग बेस 3 एक्स माइनस 1 माइनस लॉग बेस 3 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2, देन वैल्यू ऑफ एक्स। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी 5। कम ऑन एवरीवन, अरे भाई ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं। सर आप विजेंद्र सर एंड शिवेंद्र सर के साथ ड्रॉपर बैच आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना? ऑब्वियसली लॉन्च्ड है एंड ड्रॉपर बैच इज गोइंग टू कम वेरी वेरी सून, तो आप लोग सभी लोग आ जाओ यार फटाफट, है ना? तो कितना हो जाएगा, लॉग बेस 3 ए दिस बाय दिस, ठीक है? तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, दिस बाय दिस, तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई आपके पास, 2। कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2।
कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू। एक्स प्लस वन कट गया, लॉग कितना दिया हुआ है थ्री, बेसिस थ्री, एक्स माइनस वन बराबर कितना हो गया थ्री स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी थ्री, 9 प्लस 1 10। आठ आठ तारीख से होगा, 8 तारीख से स्टार्ट हो रहा है बैच, 8 सितंबर। हाँ तो बताओ भाई, लॉग बेस 2 ऑफ x इंटू लॉग बेस 2 ऑफ x बाई 16 प्लस 4 इक्वल टू 0, देन एक्स की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी हाफ, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी 2। जल्दी बताओ, बताओ भाई क्या होगा आंसर, दिबांगन अभी श्योर नहीं है उसका फिजिक्स में क्या होगा, है ना, वी आर ट्राइंग आर लेवल बेस्ट कि आपको बेस्ट एजुकेटर प्रोवाइड हो, है ना, सो वी विल बी वेटिंग फॉर दैट। ओके, डोंट वरी डोंट वरी, वेट फॉर दैट एंड दैट विल बी डन, डोंट वरी। तो यार देखो कितना होगा, लॉग बेस 2x और ये कितना हो गया लॉग बेस 2 ऑफ x माइनस लॉग बेस 2 ऑफ 16, 2 पावर 4 हो गया, तो 4 ही हो गया ये, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा लॉग बेस 2 ऑफ x का स्क्वायर, और ये कितना हो गया माइनस 4 लॉग बेस 2 ऑफ x प्लस 4 इक्वल टू 0, कितना हो गया यार ये log बेस 2 ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर,
मतलब log इज इक्वल टू जीरो, मतलब log बेस टू ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, टू, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी होगी, टू का स्क्वायर, तो फोर हो गया। दैट्स द आंसर। जल्दी से बताओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये देख लिया है, लॉग बेस थ्री ऑफ टू प्लस, सॉरी ये हो गया, और ये लॉग बेस थ्री ऑफ टू पावर एक्स माइनस फाइव, और लॉग बेस थ्री ऑफ टू पावर एक्स माइनस सेवन बाई टू, ये है आर इन एपी। दीज आर ऑल इन एपी, ठीक है। तो आपको बताना है एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ऑप्शन ए 1 4, ऑप्शन बी 2 3, ऑप्शन सी 5 6, ऑप्शन डी 5 7। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ब्रिजेश, कैसे हो भाई? सर यार भाई, जितने लोग हैं सब एक बार लाइक कर दो यार सेशन, दैट विल बी ग्रेट। तो कितना हो जाएगा बताओ यार, ए बी सी आर इन एपी, ठीक है, ए बी सी, ये तीनों एपी में है। सर 298 मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बनेगा? टू नाइन्टी एट अरे 298 किसका आ रहा है, तुम्हारा आ रहा है? आउट ऑफ 300 298, तब तो फिर 99.9999 समझ लो यार। ए बी सी अगर एपी में है तो क्या कंक्लूजन रहता है, क्या कंक्लूजन रहता है? टू टाइम्स ऑफ मिडिल लॉग बेस टू पावर एक्स माइनस फाइव इक्वल टू दिस प्लस दिस, लॉग बेस थ्री ऑफ टू प्लस लॉग बेस थ्री ऑफ टू पावर एक्स माइनस सेवन बाई टू, कितना हो जाएगा? लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए बी हो गया थ्री ऑफ टू इंटू टू पावर एक्स माइनस सेवन, और ये कितना हो गया, लॉग बेस थ्री ऑफ टू पावर एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर। कितना हो गया, ए ये हो गया इसका स्क्वायर, तो टू पावर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू टू पावर एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू टू पावर टू इंटू टू पावर एक्स माइनस सेवन। ठीक है, तो टू पावर एक्स में क्वाड्रेटिक बन गया, तो क्यों पूछ रहे हो?
तुमने पेपर दे दिया कि पेपर बचा है? तुमने पेपर दे दिया कि पेपर बचा है तुम्हारा? अरे 10 होगा ना, 10 × 2 पावर x। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 पावर x की पावर स्क्वायर। अरे मैं 5 क्यों लिख देता हूँ बार बार, ये 2 है भाई, स्क्वायर है। और −12 × 2 पावर x + 32 = 0, तो कितना हो जाएगा, 2 पावर x − 8 × 2 पावर x − 4 = 0। 2 पावर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, या फिर 2 पावर x की वैल्यू आ गई 4। 2 पावर x बराबर कितना आ गया, 2 क्यूब, या फिर 2 पावर x कितना आ गया, 2 स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3, या फिर 2। ओके, दैट इज द आंसर। एक्चुअली स्टेटिस्टिकली बोले तो 2 और 3 में सिर्फ आपका 3 इज द करेक्ट आंसर, 2 भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यार 2 पुट करेंगे तो डोमेन ही नहीं आएगा, नेगेटिव नंबर आ रहा है यहाँ पे, राइट? ओके, तो नेक्स्ट, इसके रूट चाहिए x²−4x − log base 2 of a = 0 आर रियल। ठीक है, इसके रूट्स आर रियल। ए पे क्या इनइक्वालिटी है, ए ग्रेटर देन और ऑप्शन ए इज ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, ऑप्शन बी है ए लेस देन और इक्वल टू 8 है, 1/8 है, ऑप्शन सी ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/16 है, ऑप्शन डी ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4 है। बताओ भाई, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन गाइस, क्या होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो −4 का स्क्वायर b² − 4ac, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो 16 + 4 log base 2 of a इज पॉजिटिव, 4 4 कट गया, मतलब log² to the base 2 of a इज ग्रेटर देन इक्वल टू −4, मतलब a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पावर −4, मतलब a इज मोर देन 1/16।
ये कितना हो गया भाई, लॉग बेस टू ऑफ मॉड ऑफ 4 माइनस 5 एक्स इज ग्रेटर देन 2। तो अब बताना है कि एक्स का रेंज क्या है। ऑप्शन ए 8/5 से इन्फिनिटी, ऑप्शन बी 4/5 से लेकर 8/5, ऑप्शन सी माइनस इन्फिनिटी टू जीरो यूनियन 8/5 टू इन्फिनिटी, ऑप्शन डी 0 to 8/5। कौन? कम ऑन एवरीवन, कैसे होगा भाई बताओ। देखो किसी का भी जैसे ये इनइक्वालिटी होता है ना, देखो लॉग का आपको एक इनइक्वालिटी आना चाहिए, इनइक्वालिटी इन लॉग। वो क्या कहता है कि अगर आपका लॉग बेस ए एक्स है, ठीक है ना, लॉग बेस ए एक्स है और ये ग्रेटर देन सम लेट्स सपोज वाई है, तो दिस कैन बी व्हेन ए पावर एक्स विल बी ग्रेटर देन ए पावर वाई, हो सकता है, ठीक है, व्हेन योर एक्स इज बिटवीन ए इज बिटवीन ए इज ग्रेटर देन वन, तब सेकेंड इट कैन बी व्हाट एक्स इज लेस देन ए पावर वाई व्हेन योर ए इज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, तो दीज आर द टू केसेस। तो यहां पे क्या 2 तो पॉजिटिव है ना, ग्रेटर देन दैट है, तो क्या करोगे आप, मॉड ऑफ 4 माइनस 5 एक्स कितना आ जाएगा, लेस देन 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। अब क्या है भाई, देखो किसी भी चीज का मॉड अगर 4 से छोटा है, छोटा है कि बड़ा था, ग्रेटर है, वो हो ग्रेटर है, तो क्या हो सकता है, दो केसेस। केस वन कि 4 माइनस 5 एक्स क्या हो, ग्रेटर देन 4 हो, या फिर 4 माइनस 5 एक्स इज लेस देन -4। तो कितना हो गया, एक्स इज लेस देन 0 और 8 is less than 5x, तो ये क्या हो जाएगा, x is greater than 8/5। ये दो केसेस होंगे, एक दो।
लेस देन जीरो का मतलब क्या हो गया, समझ में आ गया, और ये हो गया 8 ग्रेटर देन 5। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड प्लेंटी ऑफ टाइम्स यार, इनइक्वालिटी पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है चलो गाइस कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, नाउ नाउ विल डिस्कस फ्यू मोर। अगला क्वेश्चन, जैसे हमको मान लो बताना है कि आपका जो log ऑफ एक्स स्क्वायर है वो किसके इक्वेलेंट है। ऑप्शन ए 2 log x, ऑप्शन बी 2 log mod x, ऑप्शन सी मॉड ऑफ log एक्स स्क्वायर, ऑप्शन डी log एक्स का स्क्वायर। Come on everyone, tell me. तो गाइस देखो ध्यान से, सब लोगों को पता है log x स्क्वायर है ना, इसका डोमेन क्या होगा बताओ, डोमेन सबको पता है यार, ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो, नेगेटिव भी ले सकते हैं पॉजिटिव भी ले सकते हैं, राइट। सो ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो विल बी द आंसर। ओके तो इसका अगर आप बोलोगे कि सर इसको m log x से आप 2 log x लिख दो, तो दिक्कत क्या हो रही है, 2 log x का डोमेन क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव, इसका होता है सिर्फ r प्लस, तो नेगेटिव वाले टर्म्स तो नहीं रहेंगे, तो दिस इज अ रॉन्ग आंसर एक्चुअली, इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए 2 log mod x, कि log mod x का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। यू गाइस गेट द पॉइंट। नेक्स्ट इज एफ ऑफ एक्स कितना है, अंडर रूट लॉग 16 एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो डोमेन पूछा है, ठीक है डोमेन मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 ऑप्शन सी है, मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ऑप्शन डी कितना आ गया, मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2।
Come on, everyone. यार देखो, सबसे पहले अंडर रूट क्या बोलेगा, भाई मुझे पॉजिटिव नंबर दे देना है और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग क्या बोलेंगे, लॉग बेस 16 ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 16 पावर 0 1, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अरे कितना हो गया, माइनस 1 1 प्लस माइनस प्लस क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, राइट। इसको हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, पता है, मॉड एक्स इज मोर देन 1, दैट्स अ शॉर्ट फॉर्म। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और बोल दिया आपको 7 की पावर 1 प्लस एल एन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर एल एन 7, तो देन आपको पूछ रहा है एफ ऑफ 2018 कितना होगा। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 100। ओके गाइस, जल्दी से बताओ। तो गाइज ये देखो ध्यान से, 7 इंटू 7 की पावर ln x ऑन एक्स की पावर एल एन 7, ठीक है। तो यार ये देखो, यहाँ पे एक्स की पावर एल एन 7 ये बराबर होता है 7 की पावर ln x से, क्यों पता है, बिकॉज एक्स की पावर एल एन वाई इज इक्वल टू वाई की पावर एल एन एक्स, तो लॉग ले लो बोथ साइड्स, एल एन 7 एल एन एक्स इक्वल टू एल एन एक्स इंटू एल एन 7, तो ये बराबर हो गए दोनों, दैट विल बी गॉन, ये और ये कट गया, सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, 7, कॉन्स्टेंट फंक्शन है। ओके
और ये कितना हो गया भाई, 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग टू द बेस 10 एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है। तो ये कितना आएगा इसका डोमेन, ऑप्शन ए 1 to 2, ऑप्शन बी -1 से 0 यूनियन 1 to 2, ऑप्शन सी 1 to 2 यूनियन 2 to इन्फिनिटी, ऑप्शन डी, इसका डोमेन बताना है भाई, -1 से 0 यूनियन 1 to 2 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। कम ऑन गाइस, जल्दी से ट्राई करो। कैसे होगा बताओ। अगर यहाँ पे हमारे पास सिंपल सा फंडा है, दो फंक्शन है, ठीक है, एक ये हो गया और एक ये फंक्शन हो गया, ठीक है। तो 4 - x² कितना होगा, नॉट इक्वल टू 0, राइट। ओके, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, शुडन्ट बी 4, दैट मीन्स x शुडन्ट बी +-2। और ये क्या है भाई, x³ - x शुड बी पॉजिटिव, राइट, दैट मीन्स x² - 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और ये कितना हो गया, -1, ये हो गया 1 और ये हो गया 0, तो प्लस माइनस प्लस, राइट, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो कितना आ रहा है भाई, पॉजिटिव एक्स बिलोंग्स टू कितना आ रहा है, -1 to 0, 1 to इन्फिनिटी कह सकते थे पर 2 नहीं हो सकता, राइट, इसीलिए 2 पे ब्रेकिंग करेंगे। वेवी कर्व देखो, लॉग में भी वेवी कर्व यूज हो रहा है ना, डोमेन में हर जगह हो रहा है, इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया था वेवी कर्व पहले, ताकि आपको काफी यूज हो इसका, राइट गाइस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट लॉग x² - 1 ऑफ एक्स। ऑप्शन ए कितना है, √2 to इन्फिनिटी, ऑप्शन बी कितना है, 0 to इन्फिनिटी, ऑप्शन सी कितना है, 1 to इन्फिनिटी, ऑप्शन डी कितना है, आर।
कम ऑन गाइस, बताओ। देखिए यार, सीधे सिंपल बात है, इसको ना एकदम लॉजिक से करना है, बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो इसका आंसर। लॉजिक क्या है? क्या बेस कभी भी वन हो सकता है? नो, x² - 1 इज इक्वल नॉट इक्वल टू वन। ठीक है, मतलब x² नॉट इक्वल टू 2, मतलब x कैन नेवर बी +-√2। ये भी रूट टू ले रहा है, ये भी रूट टू ले रहा है, ये भी रूट टू ले रहा है, तो भाई तीनों गलत है। यही होगा ऑप्शन ए, है ना? कितने आसानी से आपका गाइज आंसर आ रहा है। रूट टू इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, सिट है ना? तो ये सब लॉजिक से आपका काम हो सकता है आराम से। कम ऑन एवरीवन, नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज गाइज लॉग बेस 0.2 ऑफ मॉड एक्स इक्वल्स टू 2 mod x। इसे कितने सॉल्यूशंस होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो गाइज देखो क्या होगा, लॉग बेस 0.2 और मॉड एक्स है, दैट विल बी व्हाट? देखो लॉग बेस 0.2x का ग्राफ पता ही होगा आपको कैसा होता है। तो क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, देख रहे हो ये नेगेटिव है ना? और अगर आपने मॉड एक्स लगा दिया तो ये वाला भी पार्ट आएगा, सिंपल। और 2 mod x का ग्राफ बनाओ राइट हैंड साइड में, 2 mod x का ग्राफ बनाओ। 2 mod x का ग्राफ ऐसा होगा, समथिंग लाइक दिस, वी शेप। कितनी बार कट रहा है? 2 बार। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर विल बी गॉट 2 solutions। इसका डोमेन बताना है, log base 2 ऑफ x+3 डिवाइडेड बाय x² + 3x+2। ठीक है, ऑप्शन ए 3 to infinity, ऑप्शन बी -3 to infinity, ऑप्शन सी 1 to infinity, ऑप्शन डी -3 to infinity यूनियन, सॉरी एक्सेप्ट -1 to -2।
Come on, everyone. Come on guys, जल्दी से बताओ, tell me the answer. Come on everyone, जल्दी बताओ. देखो यार, ये क्या बोलेगा कि यार डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, है ना, सिंपल सी बात है. मतलब एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू कांट बी जीरो. ठीक है, फैक्टराइजेशन कितना होगा, एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन कांट बी जीरो, एक्स कांट बी माइनस टू कांट बी माइनस वन. ठीक है, तो यार ये क्या हो गया. अब देखो ये तो नहीं हो सकता. ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस, माइनस थ्री टू माइनस इनफिनिटी ना. ये क्या बोल रहा है भाई, ऊपर वाला क्या बोलेगा कि भाई एक्स को कुछ भी बोल दो बट एक्स प्लस थ्री शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो. सिंपली एक्स ग्रेटर देन माइनस थ्री, एक्स ग्रेटर देन माइनस थ्री बट कांट बी माइनस वन कैन माइनस टू बिकॉज उसपे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है. चलो गाइस, एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रॉब्लम लेते हैं. ठीक है, आपको बताना है एक को दिया हुआ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स एंड दैट इज गिवन एज लॉग टू द बेस टेन, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव. ठीक है, ये गिवन है, इसका आपको बताना है डोमेन. ऑप्शन ए डोमेन इज जीरो टू इन्फिनिटी, ऑप्शन बी रेंज इज आर, ऑप्शन सी डोमेन इज आर माइनस, ऑप्शन डी रेंज इज लॉग 10 से लेकर 11 बाई 3 टू इन्फिनिटी. ऑब्वियसली इन्फिनिटी पे ओपन. कम ऑन गाइस, बताओ भाई कैसे होगा. बहुत ही प्यारा सवाल है. बताओ भाई जल्दी से. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू इट. इसका बताओ आंसर क्या होगा. एवरीवन वाचिंग हिट द लाइक यार.
तो गाइस देखो ध्यान से, डोमेन तो आपको बताइए कि यार ये क्वाड्रेटिक बनेगा, इस पे किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे आएगी। भाई विवेक गोयल, आप रेगुलरली तो आया करो, हम यहाँ पे बहुत फ्रेश हैं, ठीक है? डोंट से दैट, वी आर हियर फॉर यू गाइस। आप लोग आया करो रेगुलरली क्लास में, तो दैट विल बी ग्रेट। ओके चलो गाइस, फटाफट इसका आंसर बताओ, फटाफट इसका आंसर बताओ, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू इट। 3x² - 4x + 5, इसका क्या होगा? इसका सबसे पहले यार, तो ये कितना हो गया, 3x² - 4x + 5, ठीक है? इसका क्या है, आपको डिस्क्रिमिनेंट कितना है? सबको पता है एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा जिसका वर्टेक्स कहां पे है, -b/2a, -d/4a। गलत आंसर है, इसका वर्टेक्स कहां पे होगा, -b/2a, -d/4a, ठीक है? मतलब ये रेंज जो होगा वो कहां से कहां तक होगा। यस, तो यहां पे आपने क्या करना है, सिंपली आपको इसका -d/4a निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, 16 - 4 × 3 × 5, कितना आ गया ये आपके पास, 12 5 = 16, ठीक है? डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया आपके पास, -44। तो ये -d/4a है, तो -d/4a कितना आ जाएगा, 44 by 4a, तो कितना आ गया, 11 by 3, तो कितना आ गया यार ये माइनस इन्फिनिटी से, मतलब 11 by 3 से इन्फिनिटी तक, ठीक है ना? तो आपको ये पता चल गया कि यार 3x² - 4x + 5 वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है आपके 11 by 3 के, तो इसका लॉग कितना हो जाएगा, विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग ऑफ 11 by 3, क्योंकि लॉग एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इफ x2 > x1 देन f(x1) विल आल्सो बी ग्रेटर देन f(x2), राइट? यस, सो दैट इज द लॉजिक। चलो गाइस, लेट्स रैप अप द सेशन, आज के लिए इतना ही। कल आई विल बी कमिंग अप येट अनदर सेशन विद सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस पे, बहुत सारे अमेजिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है? So guys, you all can come on to the Unacademy Plus platform as well as Iconic, which will be incredible. 12 months, 18 months and 24 months ka plan hai. AJ Live aapko code use karna hai, which will be fabulous and fantastic. Aapke paas prices ho jayenge 34.6, 42.5 and 50.4 respectively. Saath hi saath guys, going forward, aapko Plus aur Iconic dono pe aane ka mauka milega, which will be incredible. 12, 18 and 24 months ka plan hai. एज लाइव कोड यूज कर सकते हैं 58,500, 72,000 एंड 90,000 रेस्पेक्टिवली फॉर 2 ईयर्स आपको मिल जाए। गोइंग फॉरवर्ड गाइज, आपको मिलेगा पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस और ये सारे अमेजिंग लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट एंड एवरीथिंग, विच विल बी फैंटास्टिक फॉर यू गाइज इन द लॉन्ग रन। आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हो गाइज ऑन दिस प्लेटफॉर्म यूजिंग माई कोड ऑफ एज लाइव, दैट विल बी फैंटास्टिक, है ना? And it'll be incredible, so please go for it. साथ ही साथ guys, fourth attempt होने वाला है, which will be amazing, है ना? And you can get along with this amazing, amazing thing series. So we'll be solving the papers for you guys, which will be incredible. Also guys, ITJE का iconic subscription is also up for grabs. Branded study material and everything will be there. So hurry up and grab it right now. साथ ही साथ guys, going forward, आपको 12 months पे 2 months extension मिल रहा है, 24 months पे भी आपको 2 months extension मिल रहा है, which is incredible, so go for it and grab it right now. Also guys, going forward, 4th August, 11th of August, 18th of August, ये सारे amazing batches already started हैं, जो आपको बहुत benefit कर देंगे in the long run and that will be great. साथ ही साथ guys, we've got bugs bounty for you, कोई भी inappropriate content आपको दिखता है, so you can report it and you can get amazing prizes on it. 4 CR worth scholarship is to be distributed यार, and which will be fantastic and fabulous. So 29th of August, 11 a.m. it is. So please be there and you will be getting the chance to win some amazing scholarships and prizes. Okay. Thank you guys, everyone, for joining this amazing session. I hope aapko maza aaya ho. Please do like and share this video among your friends, which will be fantastic.
एंड थैंक यू गाइज, गोइंग फॉरवर्ड आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट, हूएवर इज गिविंग द पेपर ऑन 31st एंड 1st एंड 2nd. ओके, टेक केयर गाइज, आई विल बी मीटिंग यू सून विद सम अमेजिंग कट ऑफ्स एंड परसेंटाइल्स. थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय. डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड AJLIFE फॉर सब्सक्राइबिंग ऑन Unacademy Plus. बाय बाय, टेक केयर.